भोपाल में आरकेडीएफ विश्वविद्यालय और आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वावधान में दो दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार और विशिष्ट अतिथि चिकित्सा पद्धति आकलन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रघुराम भट्ट, विशेष अतिथि बोर्ड ऑफ आयुर्वेद के सदस्य डॉक्टर अतुल बी, आरकेडीएफ ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर साधना कपूर और आरकेडीएफ ग्रुप के वाइस चेयरमैन सिद्धार्थ कपूर मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने आयुर्वेद पद्धति से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखी। इस सम्मेलन में छात्रों को आयुर्वेद की पुरानी पद्धति और आयुर्वेद कैसे काम करता है इसके बारे में सिखाया जाएगा। वहीं इस मौके पर सभी अतिथियों ने आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया। आयुर्वेद में मनुष्य का जीवन 100 वर्ष की कल्पना की गई है कि वह स्वस्थ रहे, गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत करे। व्यक्ति प्रयत्न भी करता है, लेकिन सीनियर सिटीजन होने के बाद जिस तरह से उसको व्याधियां होती हैं, कठिनाइयां होती हैं, आयुर्वेद इसमें कैसे सहायक हो सकता है। स्किन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी, मस्तिष्क से जुड़ी चीज़ें, अन्य शरीर के अंगों से जुड़ी चीज़ों को, तो उन सब में जो शोध हुए हैं या जो कुछ एक विशिष्ट जानकारी है उनको सभी के सामने लाना, विद्यार्थियों को जानकारी देना कि आयुर्वेद इस क्षेत्र में भी काम कर रहा है और पहले से है। वो नंबर वन यदि किसी यूनिवर्सिटी को अवार्ड मिला तो इस यूनिवर्सिटी को मिला है। कल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, 6:30 बजे सेठी जी को उठाया, सुबह सुबह दिखाया कि भाई हमें दिखाएं। इन्होंने कहा सर इस साल 120 करोड़ रुपए की ग्रांट डीआरडीओ से, एआईसीटी से, यूजीसी से, कई जगह से आ रही है। उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इतनी ग्रांट आ सकती है। सुनने में अचंभा लगा, जब उन्होंने प्रोजेक्ट देखे तो बड़े खुश हुए कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी ग्रोथ और प्रोजेक्ट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है। यह दृष्टि न सिर्फ शारीरिक बीमारियों को संबोधित करता है अपितु तो वृद्धजनों की भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। पारंपरिक चिकित्सा अक्सर लक्षण प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है, मगर आयुर्वेद बीमारी के मूल कारण की पहचान और उपचार करने का प्रयास करते हैं, जिससे दीर्घकालिक उपचार और मनुष्य के कल्याण की भावना अंतर्निहित है। वात, पित्त और कफ दोषों में असंतुलन के कारण ही वृद्धावस्था में गठिया और पाचन समस्याओं से लेकर संज्ञात्मक गिरावट और अनिद्रा तक कई स्वास्थ्य समस्याओं का जन्म होता है।